एक्चुअली वो जो होल है उसमें सांप है। हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अक्षय। आप देख रहे हैं एसटीके व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। एक मिनट। तो फाइनली वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मैं सुधागढ़ फोर्ट विजिट करने वाला हूँ। एक्चुअली इसे भोरबगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और ये लोकेटेड है पाली में। तो मैंने अभी जस्ट पाली का जो अष्टविनायक का मंदिर है वो जस्ट क्रॉस किया है। यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में मैं अपने बेस विलेज जो कि ठाकुरवाड़ी है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और इस वीडियो में मैं सुधागढ़ फोर्ट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली मैं जो ठाकुरवाड़ी विलेज है वहाँ पर पहुँच गया हूँ और ये बेस विलेज है। मैंने यहाँ पे पीछे बाइक पार्क कर दी है और जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड फोर्ट है। तो अभी हम फोर्ट के लिए निकल रहे हैं और देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में ट्रैकिंग कम्प्लीट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट की ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:10। ठाकुरवाड़ी से 10 मिनट का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये पीछे फोर्ट है। इस फोर्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य की राजधानी डिसाइड करने वाले थे तभी आपको सबको पता है स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ थी। लेकिन रायगढ़ के ऑप्शन में एक फोर्ट था जो रायगढ़ को टक्कर देने जैसा था। वो फोर्ट था सुधागढ़ फोर्ट। सुधागढ़ फोर्ट को भी उन्होंने कंसीडर किया था, उन्होंने सर्वे किया था इस फोर्ट का। लेकिन रायगढ़ की जो लोकेशन है वो महाराष्ट्र के सेंट्रल लोकेशन के जैसी है, इसके लिए उन्होंने उस फोर्ट को सिलेक्ट किया स्वराज्य की राजधानी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला। एक्चुअली आपको पता होगा जो सरसगढ़ फोर्ट का वीडियो हुआ था मेरा, उसमें मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुधागढ़ फोर्ट सरसगढ़ फोर्ट का ट्विन है, जो कि मैं ये स्टेटमेंट बदल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये फैक्ट जानने के बाद कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की राजधानी के टाइम पर इसे कंसीडर किया था, तो उसके बाद ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो मैं बदल रहा हूँ। तो देखते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस फोर्ट के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो फोर्ट है ये बहुत प्राचीन है। एक्चुअली यहाँ पे जो नज़दीकी केव्स है, ठानाली केव्स है, वो ऑलमोस्ट 2200 साल पुरानी है। तो इन केव्स से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो फोर्ट है ये लगभग उसी मतलब उतना ही पुराना होगा। और जैसे कि इस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस फोर्ट को भोरबगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। एक्चुअली ये नाम इसको इस फोर्ट पर जो देवी है भोराई देवी, इनके नाम से आया है। और ये भोराई देवी की स्थापना इस पहाड़ पर भृगु ऋषि ने की थी और मतलब इसका वर्णन कई ग्रंथों में किया गया है। तो और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस फोर्ट के बारे में मैं जो आपको बताने वाला हूँ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:26। तो हार्डली मैंने 20-25 मिनट की ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है। अभी इसके बाद आगे स्टेयर्स लगने वाले हैं, तो स्टेयर्स के बाद फिर और स्टेयर्स आएंगे और फिर हमें डायरेक्टली फोर्ट के स्टार्टिंग तक पहुँचा देंगे, बेस तक। तो चलो देखते हैं आगे कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर ये स्टेयर्स आई है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये
इस फोर्ट पर आने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो ठाकुरवाड़ी से होके आता है, जहाँ से मैं अभी आया हूँ, रास्ता है जो ढोंसे गाँव से होके आता है, और अगर आप वहाँ से जाओगे तो आपको डिंडी दरवाज़ा मिलेगा। तो चलिए, एक्चुअली ऐसा देखा जाएगा तो ये रास्ता थोड़ा ईजी है, मतलब यहाँ पे स्टेयर्स बनाए हुए हैं, आगे भी स्टेयर्स बनाए हुए हैं, ऐसा मतलब यहाँ की जो कंडीशन है रास्ते की वो अच्छी है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर प्रीफर करते हो तो यही रूट प्रीफर कीजिएगा। फोर्ट को 1436 में बहामनी सुल्तान ने कैप्चर किया था। उसके बाद ये फोर्ट ऑलमोस्ट 1656 को स्वराज्य में शामिल हुआ। एक्चुअली इस फोर्ट की जो देखभाल है वो नारो मुकुंद जी कर रहे थे, जैसे सरसगढ़ फोर्ट, सुधागढ़ फोर्ट, ये उनके अंडर था, वो ध्यान रखते थे इन फोर्ट का। तो कैप्चर करने के बाद, मतलब कैप्चर करने तक इस फोर्ट का नाम गोरखगढ़ था, जैसे पहले बताया, और उसके बाद इसका नामकरण किया गया, ये स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया, और इसका नाम सुधागढ़ रखा गया। तो दोस्तों, ये पीछे जो है ये चिलकती बुर्ज है। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ट्रैकिंग कवर कर ली है, मैंने 11 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे हैं। अभी हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट्स की ट्रैकिंग पेंडिंग है, 15 मिनट्स में मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, फिर जो ऊपर के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली आई मेड टू द टॉप, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:40, मतलब ऑलमोस्ट 1:40 के आसपास मैंने ये फोर्ट कंप्लीट कर लिया है, मतलब मैं ऊपर आ गया हूँ। तो अभी ऊपर के कुछ स्पॉट्स है वो विजिट करेंगे, वो सब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या है। तो आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ के। मैं सोलो हूँ दोस्तों, सोलो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सोलो ट्रैकिंग करो, ये तो मेरी जिद है कि मैं सोलो ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो ये कुछ व्यूज़ यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऊपर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर और एक तालाब है, तो चलो वो देखते हैं। ये आप सामने शेर देख रहे हो, ये महादेव मंदिर है और उसके ही पीछे तालाब है। थोड़ा आगे चलते ही पंच सचिव वाड़ा आता है, बुराई देवी मंदिर के जस्ट पहले। तो ये जो मेरे पीछे है ये वाड़ा है, तो चले इसे देखते हैं। ये एक्चुअली पेशवा जब भी थे उस टाइम पे यूज़ होता था रहने के लिए। तो चलो देखते हैं अंदर। तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो। इसे क्लीन रखा गया आप देख सकते हो, और इवन अगर आप भी इसे यूज़ करते हो तो प्लीज़ इसे क्लीन रखिए। वहाँ पे पानी भी रखा हुआ है। मुंबई वाले हो एकटाच फिरतो मी। तो जैसे ही आप बुराई देवी मंदिर देख लेते हो, उसके बाद उसकी बाजू में एक हनुमान मंदिर है, और वहाँ से एक रास्ता नीचे की ओर जा रहे हैं,
अगर आप वो रास्ते को फॉलो करते आते हो तो आप महादरवाजा के तक पहुंच जाओगे। मतलब वहाँ से महादरवाजा तक का रास्ता ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट का है। और महादरवाजा अगर आप आ रहे हो यहाँ पर सुधागढ़ फोर्ट पर आ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। ये मुझे पता है ये वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है, लेकिन इस जगह की हर एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं कवर करूँ वीडियो में, इसके लिए मैं ये महादरवाजा भी देखने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया महादरवाजा सेम टू सेम रायगढ़ का जो महादरवाजा है उसकी कॉपी है। तो चलो इसे देखते हैं, मैं वहाँ पर अभी पहुँचने वाला हूँ। मुझे वापस ऊपर जाने के लिए वापस और 10 मिनट लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये महादरवाजा है, तो ये है टकमक टोक जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। यहाँ से आप ये सारे व्यूज देख सकते हो। आज के फाइनल डेस्टिनेशन के पास हूँ। ये तटबंदी है बैक साइड की, जो बुराई देवी मंदिर है उसके पीछे से चोरडिंडी तटबंदी आती है, तो ये है वो, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक चोर दरवाजा भी है, मतलब उतरने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चोर डिंडी है, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जा रहा हूँ मैं। नहीं 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 दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, एक मिनट आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको दिख रहा होगा तो एक्चुअली वो जो होल है उसमें सांप है, तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं सोलो हूँ, इसके लिए मुझे डर लग रहा है दोस्तों। सोलो में मैं नहीं प्रीफर करता हूँ ऐसे रिस्क लेना। तो ये लास्ट स्पॉट था, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड करते हैं। नहीं तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो सोलो ना जाए, ऐसे रिस्क होती है। कुछ कुछ जगह पर हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। और ये अपना तीसरा फोर्ट हो गया। वैसे अपने चैनल का मोटिव वैसा नहीं है कि फोर्ट एक्सप्लोर करना, अपने चैनल का मोटिव वैसा है कि कोई भी लोकेशन है उसे एक्सप्लोर करना, तो वो कोई भी लोकेशन हो सकती है। तो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे अपने चैनल पर, और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।